नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आप सबका स्वागत करती हूँ दिल्ली टुडेज लाइव टॉक शो में। जब यूथ चेंजेस की बात आती है, जब बात आती है कि हम यूथ को कैसे चेंज करें, उसे कैसे डेवलप करें, तो जो दो सबसे मेन ऑप्शंस होते हैं, द फर्स्ट इज ब्यूरोक्रेसी एंड द सेकेंड इज पॉलिटिक्स। और जो आज हमारे साथ मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, ही इज द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द यंग लीडर्स और फॉर द ऑल इंस्पायरिंग यंग लीडर्स। ही इज श्री संदीप सौरभ, ही इज द एमएलए ऑफ बिहार। सो बिना किसी देरी के चलिए स्वागत करते हैं श्री संदीप सौरभ। अभी आगे हेलो। आने वाले टाइम में क्या हुआ सर, आवाज नहीं आ रही? अच्छा, अभी आवाज आ रही है, बिना माइक के आवाज आ रही है। आ रही है। तो वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा और आपकी बचपन से जर्नी क्या रही पॉलिटिक्स तक, आपकी फैमिली कहाँ, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई, और क्या आपको पॉलिटिक्स का जो इंटरेस्ट था वो बिल्कुल स्टार्टिंग से था, यानी आपने शुरू से ही तय कर लिया था कि आपको पॉलिटिक्स में ही जाना है, या धीरे धीरे कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने आपको प्रेरित किया कि हाँ आपको पॉलिटिक्स में जाना है, आपको यूथ का साथ देना है। शुरू से क्या जर्नी रही आपकी, क्या वो सफलताएं रही, क्या वो इंसिडेंस रहे आपके लाइफ में, हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, मैं बिहार में पटना जिला के अंतर्गत एक गांव है, हमारा मनेर इलाका है, और पटना से करीब 40 किलोमीटर की दूरी के पास मेरा गांव है। तो बचपन से तो वहीं पढ़ाई की थी 10th तक। उसके बाद +2 में मैं पटना आया, पटना शहर में पहली बार पटना शहर को देखा। उससे पहले कभी पटना आना जाना हुआ नहीं, गाँव में ही सब चीज था, तो गाँव में ही रहते थे। और ग्रेजुएशन तक पटना में रहे। उस बीच में जेएनयू की तैयारी मैंने की, और एमए में, मास्टर्स में हिंदी लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट था, जेएनयू में दाखिला हुआ। तब तक पॉलिटिक्स का कोई वर्ड मुझे पता नहीं था, मतलब न पसंद था न पता था। पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहते हुए कई बार लोगों ने कोशिश की कि थोड़ा इन्वॉल्वमेंट सबका हो, लेकिन यहाँ तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का मतलब अलग तरीके का था। थोड़ा गुंडागर्दी, स्टूडेंट से पैसा ले लेने वाले लोग, ऐसे छवि हमारे अंदर थी छात्र नेता के रूप में। तो यहां से जब दिल्ली गए, जेएनयू में दाखिला लिए पहली बार 2007 में, तब ये वहां जाने के बाद एकदम नई दुनिया, हमारे जैसे लोगों के लिए वो एकदम नई दुनिया थी। और वहां पे भी पढ़ाई लिखाई के ही मकसद से गया। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट और कम बोलने वाला, कम लोगों से दोस्ती करने वाला इंसान था। जेएनयू जाने के बाद पहली बार मुझे लगा कि ज्यादा दोस्त यहाँ बन सकते हैं। धीरे धीरे क्लासमेट्स के बीच में बातचीत होती रही, लेकिन वहां पे एडमिशन के साथ ही जो एक पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन हुआ, खास करके जो लेफ्ट की पार्टियां वहां पे थी उनसे, तो मुझे लगा नहीं, ये थोड़ा अलग है, ये पॉलिटिक्स उस सेंस में नहीं जिस सेंस में हम आज तक समझते थे। और उसी बीच में 2007 में कहिए कि जेएनयू में एक बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट हुआ। उस समय जो ठेका मजदूर थे जेएनयू के अंदर काम करने वाले, वो सफाई कर्मचारी, मेस वर्कर्स, माली वगैरह जो थे, इन सब का एक आंदोलन उस समय वहां का छात्र संघ लड़ रहा था, स्टूडेंट यूनियन उस स्ट्रगल को कर रहा था। तो अचानक से मेरे दिमाग में ये बात आई कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स के सिर्फ मुद्दे पे बात ना हो, बल्कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज के से जुड़े हुए बाकी लोगों के समस्याओं पे बात हो। तभी तो एक छात्र संघ जो है वो मजदूरों के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और ये बात मुझे बहुत पसंद आई वहां पे, मुझे लगा कि ये तो अच्छा है, ये तो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। और मैं धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व हुआ, उसी मूवमेंट में इन्वॉल्व हुआ। और मुझे उस समय उस मूवमेंट को लीड करने वाले जो लोग थे, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के लोग, आइसा के लोग थे, तो मैंने आइसा की सदस्यता ले ली। मतलब ज्वाइनिंग के करीब कहिए कि 1 महीने के अंदर ही मैं आइसा का सदस्य बन गया। और सदस्य बनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सदस्य बनने का मतलब है कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा इस पार्टी के लिए। तो उसके हर प्रोग्राम में जाना, पब्लिक मीटिंग्स में जाना। अच्छा, मेरी हिंदी, मतलब इंग्लिश एकदम ही कमजोर है, क्योंकि हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ और गांव में इंग्लिश की पढ़ाई उस तरह से होती नहीं है। तो लेकिन तब भी वहां के हर पब्लिक मीटिंग्स जो इंग्लिश में होते थे, सारे स्पीकर जो जिसमें इंग्लिश में बात रखते थे, हम शुरू से आखिर तक बैठ के सुनते थे, भले कुछ समझे नहीं लेकिन सुनते जरूर थे। लेकिन मुझे लगा कुछ अच्छा ही हो रहा होगा, ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स समझ में आते थे सिर्फ। तो खैर वो चलता रहा। उसी बीच में 2008
कई सारे मूवमेंट्स जेएनयू में, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हुए उस दौर में। हालांकि उस दौर में जेएनयू का उतना नाम चर्चा नहीं था जितना मोदी जी ने कर दिया बाद में। तो 5 साल तक लगातार एक्टिविज्म करते रहने के बाद, फुल टाइम काम करने के बाद, मैं छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा, और समझिए कि 2007 के बाद 12 में आकर के मैं चुनाव लड़ा पहली बार, जब मैं पीएचडी फर्स्ट ईयर में आया। तो एमए मास्टर्स किया 2 साल, एमफिल में 2 साल किया, पीएचडी में जब मैं आया तो फर्स्ट टाइम मैं काउंसलर का चुनाव लड़ा और अच्छा चुनाव जीता फर्स्ट टाइम और कन्वेनर बना। उस बीच तक 2012 तक कहिए कि कई सारे ऐसे मूवमेंट्स हुए जिसमें हमें लगा कि हम ज्यादा अपना इनपुट दे सकते हैं। हालांकि टीचिंग लाइन जो है वो मेरा बहुत पसंदीदा लाइन है, मैं शुरुआत से ही एक शिक्षक बनना चाहता था, एक टीचर बनना चाहता था। और इस लिहाज से जी मैं पीएचडी के दौरान मैंने वहां पे बीए के बच्चों को जो ऑप्शनल कोर्स होते हैं उसको पढ़ाया भी 1 साल तक। अच्छा मेरे गाइड ने मुझे कहा कि आपको पढ़ाना होगा, तो वो पढ़ाए। और एमए और एमफिल और पीएचडी के इंट्रेंस के लिए भी जेएनयू में 6-7 साल तक लगातार हिंदी लिटरेचर के जो बच्चे इंट्रेंस का फॉर्म भरते थे उनकी क्लास मैं ही लेता था। तो ये सब मेरे साथ होता रहा, चलता रहा। और 2000 उस बीच में मैं जेएनयू का यूनिट सेक्रेटरी बना, और 2015 में मुझे फाइनली आईसा का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। इस बीच में कई सारे ऐसे मूवमेंट्स हुए कैंपस के बाहर जो स्टूडेंट से जुड़े हुए नहीं थे, एजुकेशन से जुड़े हुए नहीं थे, मजदूरों के सवाल थे, अलग अलग वर्कर्स के सवाल थे, गार्ड्स के सवाल थे, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनके सवाल थे। तो जेएनयू कैंपस के अंदर भी और कैंपस के बाहर भी उन आंदोलनों में जाने का मौका मिला। और आमतौर पे लोग सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा जाकर के लोगों को ज्ञान दे देंगे, कुछ सीख लेंगे, लेकिन यकीन मेरा ऐसा फीलिंग है कि हम बहुत कम ज्ञान दे पाते हैं ऐसे मूवमेंट्स में जाकर के, और बहुत ज्यादा ज्ञान खुद सीखते हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो ये सिलसिला चलता रहा, और 15 में मैं जब राष्ट्रीय महासचिव बना तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन को चलाने संभालने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई, और अलग अलग राज्यों का दौरा करना, वहां जाकर के वहां के स्थितियों को समझना, वहां पे एक मूवमेंट खड़ा करना, संगठन निर्माण करना, माने ऑर्गेनाइजेशन के ढांचा को मजबूत करना, ये सब मैं लगातार 15 से लेकर के अब तक मैं करता रहा। इस बीच में मेरी नौकरी हो गई मगध यूनिवर्सिटी में 2019 में, लेकिन वही दो रास्ते में से एक रास्ते चुनने थे मुझे। तो मुझे लगा कि मैं ज्यादा पसंदीदा तो मेरा एरिया था ही टीचिंग लाइन, लेकिन मुझे लगा कि मैं जहां ज्यादा बेहतर दे सकता हूँ मुझे वहां जाना चाहिए। और इसलिए मैंने तय किया कि मैं वो नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, और मैंने कंटिन्यू आईसा के लिए काम करना जारी रखा। उस समय तक ये दिमाग में नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना होगा फ्यूचर में या बिहार की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना है। तब तक तो लग रहा था कि पूरे देश में आईसा में एक पूरा कतार मैंने खड़ा किया है, जिसको जो लोग हमारी तरफ उम्मीद से देखते होंगे, और अगर हम ही छोड़ के चले जाएंगे तो वो लोग तो डिमोरलाइज हो जाएंगे। इसीलिए मैंने वो जॉब नहीं की। मेरा सबसे बड़ा कारण यही था कि कई लोगों की उम्मीदें टिकी हुई थी, ये संगठन बना रहा है, ये आंदोलन को लीडरशिप दे रहा है। तो इस लिहाज से मैंने वो छोड़ दिया। और पिछले साल जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ तो पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि आपको बिहार में आकर लड़ना होगा चुनाव। तो अभी भी मेरा कमरा दिल्ली में ही है, मतलब सब कॉपी किताब दिल्ली में ही है, लेकिन बिहार में आना हुआ और यहाँ चुनाव के बाद मैं एक दूसरे रोल में, कहिए कि एक यूनिवर्सिटी से निकल करके एक ज्यादा बड़ा यूनिवर्सिटी में मैं प्रवेश किया हूँ। अभी वहां भी सीखने को काफी कुछ मिला, और इधर ग्राउंड पे आकर के भी, विधानसभा के लेवल पे आकर के भी।